नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार की राजपूत धर्मशाला में, जहां पर राजपूत समाज की तरफ से महाराणा प्रताप जी की 482वीं जयंती का आयोजन किया गया है। यहां पर अगर मुख्य अतिथि की मैं बात करूँ तो हिसार शहर के मेयर गौतम सरदाना जी और डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए हैं। तो चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि इस तरह के जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, इसका समाज के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ता है और किस उद्देश्य के साथ जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, इनसे भी जान लेते हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज महाराणा प्रताप जयंती है, राजपूत सभा हिसार द्वारा जयंती मनाई गई है और महाराणा प्रताप जी के बारे में जैसे सब हम सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने मुग़लों की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। एक बहुत बड़ी सेना अकबर बादशाह की थी और उसके सामने मुट्ठी भर राजपूतों की सेना, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उनकी मुग़लों की सेना के दांत खट्टे करने का काम किया, उनको पीछे हटाने का काम किया और उन्होंने अपने जीवन पर्यंत कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने जंगलों में जाना मंजूर किया, लेकिन राष्ट्र पहले। हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हम राष्ट्र को प्रथम रख करके और हम कार्य करें, इसलिए हमें अपने जो महापुरुष हैं, हमारे जो संत महात्मा हैं, उनको हमें याद इसलिए करना चाहिए ताकि हम उनके बताई हुई जो शिक्षा है उनको अपने जीवन में अमल में ला सकें। और राजपूताना की जहाँ तक बात है, उनका तो बहुत ही गौरवमय इतिहास हमारा हिंदुस्तान का है, हम सब पे उस पर गर्व है। और कोई भी जो महापुरुष या कोई भी महाराणा प्रताप जैसी जो शख्सियत है, वो कोई एक बिरादरी के नहीं होती, बल्कि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एक दिशा देने के लिए वो जो है धरती पर अवतरित होती है। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है राजपूत समाज से कुछ गणमान्य व्यक्ति, तो इनसे भी जान लेते कि आज का जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार गया। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। भूपेंद्र सिंह राघव, प्रदेश प्रभारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। जिस तरह का प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है, उससे किस प्रकार का संदेश जो है समाज में जाता है? देखिए, संदेश की बात यह है कि हमारे हर साल महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें 36 बिरादरी भाग लेती है। तो संदेश तो जो हमें समाज में देना है, उसका यही उद्देश्य है हमारा कि हमारी संस्कृति को हमारे भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं वो भूल ना पाए और उनको याद रहे कि हमारे जो प्रतापी जो रहे हैं पराक्रमी वीर, उनका जो उनको पूरा उनको ये रहे कि भाई इसकी इनकी जीवनी ऐसी है, इन्होंने ये किया है राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने त्याग दिया है, तो हम लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर ये चीज़ हमारे अंदर भी आए सब बच्चों। अगर मुख्य अतिथि की बात करो तो आज कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? देखिए, आज मुख्य अतिथि मेन तो श्री रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, संजय सिंह विधायक सोना तावड़ू से भाजपा के पहुँचे और हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी यहाँ पहुँचे और बाकी समस्त हमारे समाज के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं अखिल भारतीय राजपूत महासभा से, सभी पदाधिकारी पहुँचे, उन सबका यहाँ स्वागत किया गया। क्या डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी के द्वारा राजपूत समाज के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा की गई? हाँ, उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है राजपूत सभा का और उन्होंने यहाँ 11 लाख रुपए की घोषणा करी है और वो देंगे समाज को। जैसा कि आप सबको पता है, आज है महाराणा प्रताप जयंती, तो आज राजपूत धर्मशाला में महाराणा प्रताप जी की 482वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी, मेयर गौतम सरदाना जी और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे। और अगर मैं बात करूँ, इस तरह के जो कार्यक्रम समाज में आयोजित किए जाते हैं, इन कार्यक्रमों से जो हमारा इतिहास है, उससे हमारी वर्तमान में जो पीढ़ी है और आने वाली जो पीढ़ी है, उनको अवगत कराने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, समाज को, बिरादरी को जोड़ के रखने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।